दोस्तों एक बार फिर से देश में मोदी वर्सेस किसान की स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही देश में ना हो, लेकिन देश के अंदर अन्नदाता मोदी सरकार से जो सवाल पूछ रहा है, जिन स्थितियों में सवाल पूछे जा रहे हैं, वह स्थितियां जाहिर तौर पर सौहार्दपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अम्बाला के शंभू बॉर्डर के हालात लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। धुआं धुआं हो गया है अम्बाला का शंभू बॉर्डर और टकराव की स्थिति यहां पर ऐसी बनी हुई है कि किसानों पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिसके जरिए किसानों की भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है और अच्छे खासे यहां पर टकराव की स्थिति किसानों और पुलिस के बीच में बन गई है। पुलिस ने बकायदा इतनी बैरिकेडिंग लगा दी है कि ऐसा लगता है कि देश के अंदर एक सीमा बन गई है, एक बॉर्डर बना दिया गया है देश के अंदर। इधर किसान और दूसरी तरफ देश के तमाम जो पुलिस फोर्स है, वो इस बीच यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है। आज तक टीवी चैनल का ये वीडियो है जिसमें कहा गया है जनरल डायर ने गोलीबारी के आदेश दिए। आज तक के संवाददाता सत्येंद्र चौहान शंभू बॉर्डर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। संवाददाता की अगली आवाज थी नेहा, आज तक की एंकर। मुझे गोली लग गई है। दोस्तों ये वीडियो आज तक की लाइव रिपोर्टिंग का है, जब शंभू बॉर्डर पे टीयर गैस छोड़े जा रहे थे। जब टीयर गैस छोड़े जाएंगे तो ये तो पता नहीं चलेगा कि किसको लगी, कैसे लगी, तो वो टीयर गैस आज तक के रिपोर्टर को जाके लग गई। और टीयर गैस जब लगती है, आंख में लगती है, तो भयानक जलन होने लगती है और उसके जरिए कोई नुकसान तो नहीं होता किसी को, लेकिन उसके जरिए आदमी अगर अग्रेसिवली आगे बढ़ता है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल करता है। तो ये जो गोली लगने की बात कही गई है यहाँ पर यूथ कांग्रेस की तरफ से, ये गोली असली गोली नहीं है, ये वही टीयर गैस है जो आंसू गैस की गोली है यहाँ पर। लेकिन अचानक से जाहिर तौर पर एक रिपोर्टर को जब एहसास हुआ होगा कि उसको भी टीयर गैस लग गई है, तो वो घबराहट तो होती ही है और तकलीफ भी होती है, तो वो तकलीफ रिपोर्टर की आवाज में साफ तौर पर सुनाई भी दे रही है और महसूस भी की जा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो रिपोर्टर अब सुरक्षित होंगे, ऐसा कुशल होंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब एक रिपोर्टर को लग सकती है, उसको इतनी तकलीफ हो सकती है, उसका चैनल उस वक्त उसके साथ खड़ा हो सकता है, तो ऐसे कितने सारे किसानों को भी यह टीयर गैस गोली लगी होगी, उनको भी कितनी तकलीफ हुई होगी, चाहे वो रिपोर्टर हो चाहे वो किसान हो। शरीर सबका है, दर्द सबको होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे खबरेला टीवी के साथ। धन्यवाद।